वायरस का कहर जिस तरह से दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है, ये तो आप सभी देख रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से सीरियल्स की, फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कई फिल्म स्टार की शादियां तक कैंसल हो चुकी है। और ऐसे में बताना चाहेंगे आपको, टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर कपल निखिल शर्मा और टीना फिलिप की भी शादी पोस्टपोन हो चुकी है। दरअसल इन दोनों की शादी 4 अप्रैल को होने वाली थी। हाल ही के एक इंटरव्यू में टीना फिलिप ने बताया कि हम दोनों शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। 4 अप्रैल को मुंबई में क्रिश्चियन वेडिंग और बाद में हरिद्वार में हिंदू रीति रिवाज के साथ हम शादी करने वाले थे। अमेरिका, ब्रिटेन और मिडल ईस्ट में रहने वाले मेरे सभी रिश्तेदार इस शादी में शामिल होने वाले थे, इसीलिए हमने अब अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया है। इंटरव्यू में टीना आगे कहती हैं कि बहुत से कपल अपने मम्मी पापा और कुछ लोगों की प्रेजेंट में शादी कर रहे हैं और उन्होंने भी वो शादी पोस्टपोन कर दी है, लेकिन वो तो ऐसा भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके मम्मी पापा भी यूके में रहते हैं और अभी इंडिया नहीं आ सकते, जिसकी वजह से टीना फिलिप ने अपनी शादी कैंसिल कर दी है। बताना चाहेंगे आपको यहाँ पर कि साल 2019 में टीना फिलिप और निखिल शर्मा की सगाई हुई थी। ये दोनों टीवी के पॉपुलर शो एक आस्था ऐसी भी के सेट पर इनकी मुलाकात हुई और फिर इनके बीच में प्यार बढ़ता ही चला गया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से आरती रिपोर्ट।